जितने भी कर्मचारी खड़े हैं, मेरी आपसे एक ही बात है, आप दोनों हाथ लेकर के अपना अपना काम करते हैं। आज हमारे बिजली बोर्ड को तोड़ने की बात आ रही तो दोनों हाथ बंद करके नीचे बैठे हैं। ऐसा हम नहीं सहेंगे। अगर आपको दोनों हाथों से आप काम कर रहे हैं तो दोनों हाथ यहां पर उठाना भी पड़ेंगे। अभी जो नारेबाजी होगी वो दोनों हाथ उठा करके करना, और जो जोश, ये जोश, ये जो एजिटेशन होता है तभी सक्सेस होता है जब आपके बीच में जोश होता है। अगर प्रेम प्यार से रहेंगे तो कोई बात नहीं सुनेगा। मेरे साथ सभी नारे लगाएंगे लेकिन जोश के साथ और दोनों हाथ उठा करके। बिजली बोर्ड का निजीकरण बंद करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिजली बोर्ड का निजीकरण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिजली बोर्ड का निजीकरण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिजली बोर्ड में समाप्त किए पदों को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। बिजली बोर्ड में समाप्त किए पदों को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। आउटसोर्स स्थायी कर्मी, आउटसोर्स कर्मियों को स्थायी नीति बनानी होगी, आउटसोर्स कर्मियों की स्थायी नीति बनानी होगी। टीम एट के 1000 पद भरने होंगे। बिजली बोर्ड इंप्लाइज यूनियन जिंदाबाद, बिजली बोर्ड ज्वाइंट फ्रंट जिंदाबाद, पेंशन फॉर्म जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद अलची। अब मैं निवेदन करूंगा रामदास जी मंच पे आए और अपनी बात रखें। आज के इस धरना प्रदर्शन में उपस्थित सेंट्रल बॉडी एचपीएसपी यूनियन के श्री दिलीप जी, पेंशन फोरम के सभी पदाधिकारीगण, इंजीनियर एसोसिएशन के सभी पदाधिकारीगण और मंडी यूनियन के सभी कर्मचारी साथियों, भाइयों, बहनों, आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि आज का जो एजिटेशन हमारा चला है, इसमें जो बोर्ड में एक आजकल चला हुआ है, आप सभी लोगों को भली भांति इससे परिचित है कि बिजली बोर्ड को बेचने की कोशिश की जा रही है। इसमें जो अभी जितने पद इंजीनियरों के खत्म किए गए, अभी हमारे देखो 81 पद इनके चालकों के खत्म कर दिए, ये सारा बिजली बोर्ड को बेचने की तैयारी में है। जबकि बिजली बोर्ड में जितने खाली पद भरने थे उनके भरने की वजह से सिवाय ये लोग अपने इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो सभी लोग एकजुट होकर के रहेंगे। ज्वाइंट फ्रंट का आह्वान पर ये जो दिलीप जी ने आपको बताया, आह्वान पर यहाँ मंडी में ये एजिटेशन किया जा रहा है। इसमें सभी लोग अगर मिल करके रहेंगे तभी जाके बोर्ड बचेगा, अदरवाइज बोर्ड को बचने के कोई चांसेस नहीं है। एकजुट होकर हमको सभी लोगों को रहना पड़ेगा। अभी फील्ड में देखो आप कितने हालत खराब है, दो तीन तीन आदमी से 24-25 ट्रांसफार्मर पर काम किया जा रहा है, जबकि 10-15 किलोमीटर उनको पैदल चलना पड़ रहा है। उसमें टीएबी वगैरह हर चीज बोर्ड ने खत्म कर दिया है। तो मैं इस मंच के माध्यम से हिमाचल गवर्नमेंट से और बोर्ड मैनेजमेंट से अर्ज करना चाहता हूं कि बिजली बोर्ड में निकालने के बजाय बिजली बोर्ड में और पदों की भर्ती की जाए, ताकि हम बिजली बोर्ड सभी उपभोक्ताओं को बिजली समय के अनुसार दें। इसी के साथ मैं अपने विचार विमर्श यही खत्म करता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल, जय सिंह। धन्यवाद रामदास जी। अब मैं निवेदन करूंगा विपुल जी से, आगे आए वो अपनी बात रखें। विपुल जी,
विपुल जी मेरी आवाज सुन रहे हैं, कृपा करके आगे आओ।